तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास TVS की अपाची RTR 160 बाइक है और इस बाइक में प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को बताते हैं। ये जो हमारे पास TVS की अपाची 160 बाइक आई हुई है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो मीटर की लाइट है, डिजिटल मीटर है जो, वो पूरा बंद हो चुका है। जहाँ पर चाबी ऑन करेंगे देखो कोई भी लाइट 100 मीटर में नहीं कर रही है। ना तो इसका हॉर्न बज रहा है, ना इंडिकेटर चल रहा है और ना तो ये सेल्फ से कोई स्टार्ट हो रही है। बाइक बिल्कुल बंद हो के आई है। ये देखो ना न्यूट्रल लाइट, ना सेल्फ, और इसका जो सेल्फ वगैरह सब कुछ बंद है, हॉर्न वगैरह सारा कुछ बंद है। तो आज आप लोगों को बताएंगे ये प्रॉब्लम किस जगह से होती है। अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या आई हुई है आपके गैरेज पे, तो आप लोग इसे कैसे सही कर सकते हो, तो आप लोग वीडियो पे बने रहना। अभी इसमें कोई भी लाइट शो नहीं कर रही, चाबी को हम ऑन करते हैं, मीटर में कोई भी लाइट शो नहीं कर रही, ये तो आप लोगों ने देखा। अब चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी बैटरी। तो बैटरी का कवर खोलते हैं और बैटरी सबसे पहले हम इसकी चेक करते हैं। ये जो साइड का पैनल है, पैनल को हम ओपन कर लेते हैं। पैनल को ओपन करने के बाद हमको इसके अंदर जो है वो बैटरी मिल जाएगी। ये देखो यहाँ पे हमारी बैटरी है। तो सबसे पहला हम इसकी चेक करेंगे बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं। तो उसके लिए हमको एक वायर लेना पड़ेगा। ये देखो हमने एक वायर जाड़ी ले ली है और इसी से हम बैटरी के क्या करेंगे, दोनों टर्मिनल में टच करेंगे, टच करके देंगे। मैं तो मल्टीमीटर से वैसे टच कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर से, बट आप लोगों के पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो बैटरी फुल चार्ज बता रही है, ये देखो वायर तक जल जा रही है, बैटरी हमारी फुल चार्ज है और हमारे जो मीटर में लाइट फिर भी शो नहीं कर रही। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा देखते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्यूज जो है, फ्यूज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो बैटरी का फ्यूज होता है ये शॉर्ट होता है, तब भी हमारी जो यही प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमारा फ्यूज शॉर्ट हुआ होगा तो यही प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैं आप लोगों को फ्यूज दिखा देता हूँ निकाल के। यहाँ पर मुझे फ्यूज खराब नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप लोग भी देखो इसका जो फ्यूज है, वायर जो अंदर लगी हुई है वो वायर कहीं से कट वगैरह नहीं है, कहीं से भी कट नहीं है। तो इसका जो फ्यूज है, फ्यूज बढ़िया है। तो चलो फ्यूज कर रख देते हैं और इसे हम क्या करेंगे, ये देखो ये फ्यूज है और ये फ्यूज आप लोग देखो जो हमारी अंदर फ्यूज की वायर होती है वो पूरी लगी हुई है, हमारे फ्यूज में प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या करते हैं इसे पहले डायरेक्ट करके देख लेते हैं, हो सकता है अंदर से कटी हो फ्यूज। तो यहाँ पे देखो ये हमने दोनों वायर को डायरेक्ट कर दिया। अब अगर फ्यूज की प्रॉब्लम होगी तो लाइट मीटर की आ जाएगी। तो ये फ्यूज को हम रख देते हैं, चाबी ले लेते हैं और यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिए। देखो चाबी को ऑन करते हैं, ये देखो कोई भी लाइट शो नहीं कर रही है, सारी लाइट बंद है, कोई भी लाइट अभी तक शो नहीं कर रही। हमने इसका फ्यूज डायरेक्ट करके देख लिया, यहाँ पे कोई भी लाइट शो नहीं कर रही है। तो अब देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम और क्या हो सकता है, वायरिंग वगैरह अब इसकी चेक करते हैं, क्योंकि अभी प्रॉब्लम जो है वायरिंग से ही है। कोई वायर कट है बीच से या कहीं से कट है, क्योंकि यहाँ से हमें हमारा जो डायरेक्ट करने के बाद अगर प्रॉब्लम फ्यूज में होती तो वहाँ पर हमारा लाइट आ जाता। तो यहाँ पर वायर भी हल्की से कटी हुई है। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, ये जो वायर है, ये जो फ्यूज वाली वायर है, इसे हम बैटरी के प्लस में डायरेक्ट दे देंगे, डायरेक्ट दे देंगे, ये देखो डायरेक्ट देंगे और अब मीटर देखेंगे। तो अभी तक मीटर में कोई भी लाइट शो नहीं कर रही है, आप लोग भी ये देख सकते हो। देखो मीटर में कोई भी लाइट शो नहीं कर रही है। अभी हमने यहाँ से डायरेक्ट इसको करके देख लिया, मतलब जो हमारी दूसरी वाली जो फ्यूज की वायर थी वहाँ से कोई वायर कट वगैरह होती ये वाली से, तो हमने डायरेक्ट किया था तो वहाँ पे लाइट आ जानी चाहिए। बट ये वायर भी मुझे सही लग रही है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट ही रखते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं और देखते हैं इसकी प्रॉब्लम, देखते हैं कहाँ से कौन सी वायर वगैरह, तो हैंडल के पास से नहीं टूटी हुई है क्योंकि अभी तक कोई भी लाइट शो नहीं कर रही। तो यहाँ पर वायर वगैरह मुझे तो खुली हुई दिख रही है। यहाँ पर ये देखो ये हैंडल के पास, हैंडल घुमा के देख लेते हैं थोड़ा, नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पर वायर देखो, यहाँ पे वायर सब अलग अलग ऐसा दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो वायरिंग की हुई है पहले से किसी ने। तो यहाँ पे अभी हमारी वायर जो है कोई भी मुझे कट भी नहीं दिख रही है, यहाँ पे कटिंग वगैरह नहीं दिख रही है। ये देखो वायर को हम देख रहे हैं खींच के, यहाँ पे यहाँ से हमको कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है और अभी भी हमारी जो लाइट है वो बंद है। तो अभी हमको क्या करना है, तो पहले बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं। ये देखो भाई साहब ये किक भी से भी नहीं स्टार्ट हो रही, बहुत मुश्किल से स्टार्ट होती है। ये देखो किक मारते रहेंगे फिर भी स्टार्ट नहीं होगी अभी ये बाइक, तो ये प्रॉब्लम है। बहुत देर में स्टार्ट तो हो जाएगी किक से, बट प्रॉब्लम बहुत देर बाद होगी।
तो अभी ये क्या करते हैं, हम यहाँ से वायरिंग वगैरह देखते हैं, हो सकता हो यहाँ से कोई वायर टूटी हुई है या निकली हुई हो, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही वायरिंग इसमें की हुई है। ये देखो कोई भी वायर अभी यहाँ से मुझे कटी हुई नज़र नहीं आई है। बाकी अब हम क्या करेंगे, इसमें इस साइड में भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी जो वायर वगैरह हैं इस साइड में भी मुझे कहीं से भी वायर कटी हुई नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे हमारी ये जो सॉकेट है, ये जो वायर जुड़ी हुई है, ये हमारी मेन चाबी स्विच की वायर है, किसी ने सॉकेट काट के डायरेक्ट वायर ज्वाइंट कर दिया है। तो ये वायर भी मुझे जुड़ी हुई लग रही है, ये दोनों वायर हमारी चाबी स्विच की हैं। तो अभी इसमें भी हमको दिख रहा है डायरेक्ट, मतलब वायर जुड़ी हुई है, यहाँ पर सारी वायर वगैरह जुड़ी हुई ही दिख रही हैं। ये देखो मैं एक एक वायर को खींच खींच के देख रहा हूँ, कहीं से वायर टूटी हुई मिल जाए मुझे, तो ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकल जाए। बाकी अब हम चलते हैं बैटरी के साइड में, वापस से चलते हैं, और अब क्या करेंगे, हम यहाँ से सीट ओपन करेंगे, सीट के नीचे भी देख लेंगे कोई वायर वगैरह टूटी वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। ये देखो सीट के नीचे भी हमारा कोई भी वायर होता ही नहीं है, ये देखो खाली बैक लाइट इंडिकेटर की वायर वगैरह होती है, बाकी और कोई भी वायरिंग पीछे नहीं होती, सीडीआई वगैरह की, बाटला कॉइल की कोई भी वायर पीछे नहीं होती है। तो अभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से है आखिर, ये देखो ये वायर खींच वगैरह के देख लेता हूँ, ये देखो कोई भी वायर मुझे अभी तक मिली नहीं है, कोई भी वायर ऐसी टूटी हुई है। बाकी प्रॉब्लम जो है वो है वायरिंग से ही प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसे खींच के निकालते हैं, बेकार लगा हुआ। तो यहाँ पे हमारी जो एक कॉयल प्लेट की वायर होगी और एक बाटला कॉयल की होगी, तो उससे प्रॉब्लम, उससे लेना देना कुछ नहीं है। तो अभी प्रॉब्लम कहाँ पे है चेक करते हैं, फटाफट से देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट वायर ज्वाइंट करके चेक कर लेता हूँ। तो हमने एक वायर ली है, ये देखो ये काफ़ी बड़ी वायर है, यहाँ पर हमको क्या करना है, ये देखो बड़ी वायर है, काफ़ी बड़ी वायर है। अभी हमको एक वायर को प्लस वाली वायर में, प्लस वाले पॉइंट में ज्वाइंट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइंट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इसे यहाँ पे लगा के और प्लस वाली वायर में ज्वाइंट कर लेंगे। देखो मैंने इस तरीके से इसे ज्वाइंट कर लिया और यहाँ पे हम घुमा के इसे लगा देंगे ताकि ये शॉर्ट वगैरह मत ना करे। यहाँ पर इसे घुमा देंगे, एक दो बार घुमा देंगे और इसे लगाते हैं। अभी जो हमारी सिंगल वायर मैंने लिया है, सिंगल वायर काफ़ी बड़ी, इसको हमको लेके जाना है हैंडल के नीचे तक जहाँ पे हमारी वायर है, यहाँ से इसे लेंगे। बहुत लंबी वायर मैंने ली है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो ये जो चाबी स्विच की वायर होती है रेड वाली, इसे छोड़ देते हैं पहले। यहाँ पे हमारी सॉकेट तो है नहीं, आप लोगों ने पहले ही देखा था सॉकेट चाबी स्विच की नहीं है। तो ये चाबी स्विच की जो दो वायर हैं, ये चाबी स्विच की, वो ये हैं, यहाँ पे एक रेड होगी और हमारी एक बिस्किट कलर होगी। तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, खींच के निकालते हैं, चलो इसे खींच के निकाल लेते हैं, शायद टूटी वगैरह तो नहीं है। तो इसे हम पहले ओपन कर लेते हैं, ये देखते हैं, ये तो निकल गई, शायद इसी से कमी थी। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ का सारा टेप खोलना है, पहले देखते हैं ये वायर वाकई टूटी थी या हमारी कोई और प्रॉब्लम है। तो पहले इस टेप को हम ओपन कर लेते हैं, पूरा टेप बाहर निकालते हैं, और शायद से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इसी में थी, ये वायर टूटी हुई थी, तब भी हम रहने देते हैं। क्या करते हैं, हम जो हमारी हमने वायर ज्वाइंट किया है, ये बैटरी से डायरेक्ट ज्वाइंट किया, उसे इसमें लगाएंगे चाबी स्विच वाली वायर में, और फिर देखेंगे मीटर चला या नहीं। ये देखो लगाया, मीटर चालू हो चुका है। तो अभी हमको प्रॉब्लम जो है वो मिल चुकी है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी इसमें मिल चुकी है। बाकी हमने कैसे डायरेक्ट बैटरी से प्लस वाली वायर में लगा के इसके चाबी स्विच की रेड वाली वायर में ज्वाइंट किया, ये देखो ज्वाइंट किया, तो हमारे सारे मीटर की लाइट वगैरह जो है वो चालू हो गई है। और अब इसे लगा के हम ये चेक कर लेते हैं इसका हॉर्न इंडिकेटर सेल्फ वगैरह चल रहा है या नहीं। तो इसे फटाफट से ज्वाइन करते हैं, और अभी तो इसकी लाइट वगैरह सारे कुछ चालू हो गया, हॉर्न भी चालू हो गया, इंडिकेटर भी चालू हो गया, हमारा मीटर भी जो नहीं चल रहा था वो भी चलने लगा, और सेल्फ चेक कर लेते तो सेल्फ भी, ये देखो सेल्फ भी ले रही है बाइक। तो अभी इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, और प्रॉब्लम किस जगह पर थी देखो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ चाबी ऑन ऑफ करके। और यहाँ पे हमने वायर बैटरी से डायरेक्ट ज्वाइंट किया है, और ये वाली वायर छीलते हैं, मुझे लगता है यही वायर कटी हुई थी। तो कटर लेते हैं, छीलते हैं और इसे ज्वाइंट करते हैं, और फिर चाबी को ऑन करके हम लोग देख लेते हैं। बाकी मुझे लग रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि प्रॉब्लम जो थी इसी वायर से थी। तो इसको हम छील लेते हैं, ये देखो छील लिया हमने, निकाल लिया, और अब इसे मैं इसमें ज्वाइंट करके देख लेता हूँ, ये वायर शायद कट ही गई थी। यहाँ पर हमने इसे ज्वाइंट कर लिया, ये देखो ज्वाइंट कर लिया, और ये वाली वायर हम जो बैटरी से डायरेक्ट लाएं, इससे हम क्या करते हैं अब निकाल देते हैं,
यहाँ से अलग कर देते हैं, कहीं बॉडी में टच ना हो जाए। बाकी अभी हमने वायर ज्वाइंट किया और अब देखते हैं चाबी ऑन करके तो हमारी जो मीटर की लाइट प्रॉपर शो करने लगी है। हॉर्न चल रहा है, इंडिकेटर वगैरह देख लेते हैं चल रहा है, ये देखो इंडिकेटर भी चल रहा है। और प्रॉब्लम जो थी ना यही वाली वायर से थी, रेड वाली वायर से। रेड वाली वायर हमारी टूट चुकी थी इसलिए हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी बाइक में। बाइक किक से भी स्टार्ट नहीं हो रही थी जल्दी और किक सेल्फ वगैरह तो चल ही नहीं रहा था। तो अभी हमारी प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी है। बाकी इस साइड में आते हैं, इस साइड में हम इसका जो फ्यूज वगैरह है वो सब लगा देते हैं। अब ये वायर को निकाल लेते हैं जो हमने अलग से वायर, तो आप लोगों के पास प्रॉब्लम अगर आ रही तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से वायर ज्वाइन करके सीधा चाबी के स्विच की वायर में डाल दो। अगर कहीं से वायर कट हो गई होगी तो वो पता चल जाएगा आप लोगों को किस कौन सी वायर कट हुई है। बाकी अब हम इसका फ्यूज वगैरह लगा के कंप्लीट करते हैं, बाइक को देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो बाइक का मैं फ्यूज वगैरह लगा रहा था तो मैंने सोचा एक बार बाइक को स्टार्ट करके देख लेते हैं। और जैसे हम इसकी चाबी ऑन किए तो सारी लाइट तो चल रही है लेकिन करंट बाइक का चला गया है। जो हमारा स्पार्क प्लग में करंट होता है वो चला गया है। ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले बाइक का सेल्फ मारते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पे करंट जो शो करना चाहिए वो करंट ही नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ पे ये देखो सेल्फ पे हम चालू कर रहे हैं और यहाँ पे देखो, ये देखो थोड़ा सा इसको वायर को हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, यहाँ पे रुक नहीं रही है। मैंने सिर्फ फ्यूज लगाया था, बाकी मैंने सोचा स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो बाइक का करंट नहीं आ रहा है। अब सारी लाइट हमारी चालू हो गई तो ये एक नई मुसीबत हो चुकी है बाइक में। बाइक का सारी लाइट चालू भी हो गई और अब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने इसकी वायरिंग वगैरह देखा था जब मैं फ्यूज लगा रहा था, तो यहाँ से देखा मैंने सोचा बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट नहीं हुई थी। करंट चेक किया, करंट गायब था। तो अभी इसकी मैंने वायरिंग यहाँ से चेक कर रहा तो यहाँ पर एक सॉकेट लगी होगी जो निकली हुई थी, ये वाली सॉकेट, ये सॉकेट निकली हुई थी। तो मैंने सोचा ये सॉकेट से हमारे करंट का क्या लेना देना। तो मैंने क्या किया, इसे लगाया जहाँ की थी ये सॉकेट, ये वाली सॉकेट यहाँ से निकली हुई थी। तो इसे मैंने जैसे ही लगाया करंट आ गया। तो अभी आप लोगों ने देखा इसमें करंट नहीं आ रहा था। मैं ये सॉकेट को लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये सॉकेट को हम अटैच जैसे ही कर देंगे हमारी बाइक का करंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो इसे हम सॉकेट को लगा लेते हैं पहले। ये वाली वायर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब है, इससे करंट आपका अगर टूट गई कहीं से तो करंट आपका चला जाएगा स्पार्क प्लग का। तो यहाँ पे हमने ये स्विच अटैच किया और यहाँ पे देखना करंट आ जाएगा। ये देखो तो आप लोगों ने देखा हमारा करंट आ गया। और अभी इस सॉकेट को मैं निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ओपन कर दिया। ये देखो सॉकेट हटा दिया और अब देखो करंट नहीं आ रहा है। सॉकेट हटाया, करंट गायब, यही हुआ था। मैंने यहाँ से वायर वगैरह जो मैंने खींचा था शायद से मुझे लगता है ये सॉकेट हल्की फंसी थी वो निकल गई थी। अब ये सॉकेट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो ज्वाइन कर दिया और अब सेल्फ मारेंगे करंट आ जाएगा। ये देखो करंट आने लगा। तो अब हम देखते हैं बाइक को स्टार्ट करके स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि भाई मैं भी परेशान हो गया। सारी लाइट वगैरह आ गई है, सब कुछ हमने कर दिया पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बाद में चेक किया तो इसका करंट ही चला जा चुका था। तो अभी करंट का क्या मसला था वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मीटर में क्या था वो भी आप लोगों को मैंने दिखाया, कोई भी लाइट शो नहीं कर रही थी उसे कैसे लाया, और उसके बाद जब लाइट आई तो करंट चला गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी बाइक। तो अब हम इसका प्लग वगैरह लगा के सॉकेट वगैरह देखते हैं स्टार्ट हो जाएगी बाइक हमारी। देखते हैं, ये देखो वन सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। तो जो भी प्रॉब्लम थी इस बाइक की सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दी। इसका मीटर की लाइट नहीं चल रही थी, ये सॉकेट निकल गई थी, तो करंट चला गया था बाइक का।
जो भी प्रॉब्लम थी इस बाइक में मैंने आप लोगों को सारी बताया और सारी हमने सही करके आप लोगों को दिखाया। तो कुछ इस तरीके से हमने इस बाइक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आप लोगों को एक बार वापस से चेक करा देते हैं, ये देखो सेल्फ स्टार्ट हो रही है बाइक, कंप्लीट हमने कर ली है, सेल्फ स्टार्ट वगैरह सब कुछ चलने लगा है। तो ये प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई। तो ये वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।